वेलकम टू जी दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी सेटअप पर। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के अंतर्राज्य शिक्षक भर्ती के संबंध में, उत्तर प्रदेश के अंतर्राज्य शिक्षक भर्ती फोर्थ सूची चंद्र के अंतर्गत व्यक्तिगत बड़ी खबर सामने निकल के आज बात करते हैं। आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। लिखा गया है प्रेषक प्रफुल्ल कमल, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में माननीय महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश इलाहाबाद न्याय विभाग अनुभाग 3 नियुक्तियाँ। यहाँ पर डेट पढ़िए, लखनऊ, दिनांक 19 अप्रैल 2022। विषय क्या है यहाँ पर लिखा गया है, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में मुख्य स्थायी अधिवक्ता के रिक्त पद प्रभार दिए जाने के संबंध में, यानी यहाँ पर जो है महाधिवक्ता यानी एजी महोदय के नियुक्ति के संबंध में यहाँ पर जो है ये शासन निर्देश जारी किया गया। यहाँ पर लिखा गया महोदय उपयुक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री अभिनव नारायण त्रिवेदी मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वितीय माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ को मुख्य स्थायी अधिवक्ता यानी एजी माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के रिक्त पद पर नियमित तैनाती होने तक उस पद पर प्रभार दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें भौदी प्रफुल्ल कमल, विशेष सचिव। ठीक है, यानी श्री अनुभव नारायण को यहाँ पर जो है मुख्य स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किया गया है लखनऊ खंडपीठ के लिए। यानी यहाँ पर जो है अब जो है आपके जो एजी रहेंगे वो श्री अभिनव नारायण त्रिवेदी रहेंगे। ठीक है, तो जो 25 तारीख को सुनवाई होने वाली है आपकी, तो उसमें यहाँ पर जो है अब जो एजी टू में जो बहस करेंगे वो श्री अभिनव त्रिवेदी करेंगे। ठीक है, यानी ये बड़ी अपडेट है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि यहाँ पर जो 1800 में चयनित अभ्यर्थी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी जो पिछली सुनवाई हुई थी 12408 वाले मामले में, तो यहाँ पर जो हाईकोर्ट में सरकार ने ये कहा था कि हमारे पास एजी महोदय नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो आप इसकी अगली डेट लगा दीजिए ताकि यहाँ पर जो अगली डेट में हम एजी महोदय को नियुक्त करके यहाँ पर जो है आपकी सुनवाई में उपलब्ध करा सकेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है हाईकोर्ट ने उस पर यहाँ पर जो है जब एजी महोदय नहीं उपलब्ध थे तो यहाँ पर जो उनकी डेट लगा दी थी, अगली डेट लगा दी थी 27 अप्रैल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो अभ्यर्थी परेशान थे कि कहीं ऐसा ना हो कि 25 तक जो डेट लगी है उसमें भी सरकार ऐसा करे और यहाँ पर जो अगली डेट ले ले। लेकिन यहाँ पर जो है अब एजी महोदय चयन हो गया है, तो दोस्तों यहाँ पर ये सरकार का बड़ा कदम है। अब यहाँ पर जो 800 अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो एक ही जो मानो खुशखबरी वाली बात है कि यहाँ पर जो एजी महोदय चयन हो गया है, अब यहाँ पर जो है सरकार इस पर अपना पक्ष रखेगी, सही से रखेगी। मैं बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो व्यक्ति चयनित हैं, यहाँ पर जो 29 अगस्त में 800 में चयनित हैं, उनके द्वारा लगातार प्रयास जारी है और यहाँ पर जो है ज्ञापन के माध्यम से अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं कि यहाँ पर इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पद मिल जाए। उसी क्रम में यहाँ पर जो अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर जो है अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं और यहाँ पर जो है नेता विधायक मंत्री जी को पत्र भी लिख रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया सेवा माननीय राज्यपाल महोदया जी उत्तर प्रदेश लखनऊ राजभवन लखनऊ। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया आगे पत्र लिखा गया एक और सेवा माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है बीएससी मंत्री जो है संदीप सिंह जी को भी पत्र लिखा गया और जो अपर मुख्य सचिव हैं उनको भी पत्र लिखा गया, बीएससी विभाग के उनको भी पत्र लिखा गया, दीपक कुमार जी को भी पत्र लिखा गया है। तो उससे बेहतर पूरा प्रयास जारी है कि यहाँ पर किसी प्रकार से यहाँ पर इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाए और साथ ही साथ यहाँ पर जो अभ्यर्थी जो चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो या फिर चाहे वो विपक्ष हो, सभी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर जो इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए बात कही रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब इतना समय बीत गया है लेकिन सरकार ने अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया है, इसलिए अभ्यर्थी परेशान है, इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। उसी क्रम में यहाँ पर जो आज एक महाआंदोलन का भी आयोजन किया गया है जो कि यहाँ पर जो है 20 तारीख को आज महाआंदोलन है, यहाँ पर जो सभी अभ्यर्थियों को भाग लेना होगा ताकि यहाँ पर सरकार पर दबाव बन सके और सरकार इसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी प्रक्रम है आगे जारी कर सके। और अगर अभ्यर्थी आज सही संख्या में पहुंच जाते हैं और अगर सरकार पर दबाव बन जाता है तो दोस्तों जो 25 तक समय मिली है आपकी, तो उसमें यहाँ पर जो सरकार अपना पक्ष जो है मजबूती से रख देगी। अगर सरकार अपना पक्ष मजबूती से रख देती है तो इसमें 1 से 2 सुनवाई में ही आपका मैटर जो है क्लियर हो जाएगा। इतना भी कन्फर्म है कि ज़्यादा इसमें सुनवाई कुछ होने वाली नहीं है, सिर्फ अगर 2 सुनवाई हो जाए सही से तो आपको मैटर क्लियर हो सकता है। तो दोस्तों यह थी आज की अपडेट, यहाँ पर जो है आज की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि माननीय एजी महोदय का यहाँ पर चयन हो चुका है। अब यहाँ पर जो एजी महोदय के रूम में यहाँ पर जो है श्री अभिनव नारायण त्रिवेदी बहस करेंगे। ठीक है, लखनऊ खंडपीठ में 25 तारीख को। अब देखते हैं 25 तारीख को किस प्रकार से यहाँ पर बहस की जाती है और किस प्रकार से सरकार पर पक्ष रखती है। तो ये आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आपको मिल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।